सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाई स्कूल के परीक्षा रद्द करने पर विचार हो रहा है। सीबीएसई की तरह यूपी बोर्ड दसवीं की परीक्षा रद्द हो सकती है। सीएम से चर्चा करने के बाद परीक्षा पर फैसला होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले ही दसवीं की परीक्षा को रद्द किया जा चुका है, बारहवीं को पोस्टपोन किया है। और इन सब के बीच यूपी बोर्ड भी अब उत्तराखंड और सीबीएसई की तरह दसवीं की परीक्षा को रद्द कर सकता है। सीएम से चर्चा करने के बाद इस पर फैसला होगा। लेकिन ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में दसवीं की परीक्षा को, दसवीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। करें तो पहले ये हुआ था जब पिछले महीने से परीक्षाओं का कार्यक्रम होना था, उसके बाद कोरोना बढ़ा और इनको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद मई के पहले हफ्ते में नई तिथियों पर मंथन होना था। लेकिन इस समय अगर बात करें तो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं, वो खुद कोविड पॉजिटिव है। अब आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर सीएम भी बहुत ज्यादा चिंतित है। वो खुद बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। माना ही जा रहा है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात व सीबीएसई की तर्ज पर यूपी के अंदर भी दसवीं क्लास की परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है। और इसी के साथ कैसे ये लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी ने अंदर ही अंदर आदेश दे दिए कि ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाए, ताकि ट्वेल्थ बोर्ड के बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके। इस पर जो भी नई अपडेट आएगी वो हम आपको बताई देंगे। लेकिन साथियों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? क्या बोर्ड परीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और साथ ही विद्यार्थियों, आपको ये भी बताना है कि आप कौन से स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी, कौन से बोर्ड की न्यूज आप देखना चाह रहे हैं, ताकि हम आप तक वो न्यूज पहुंचा सके। और साथ ही आपको बता दें, अब अन्य कई स्टेट्स ने ये मोहरामन बना लिया है कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने जा रहे हैं, जिसकी जल्द घोषणा करने वाले। अब किन किन राज्यों में घोषणा होने वाली ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी सही इंसर्टिंग न्यूज मिस ना हो सके।